Now everything is okay. Yes, sir. ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो ठीक है, क्यूबॉइड को सभी पहचानते हो, तीन डायमेंशंस आपको याद रखना है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सबको समझ में आ रहा है कि लेंथ क्या होती है, डेप्थ या ब्रेथ क्या होती है और हाइट क्या होती है, एल बी एच। सभी को क्लियर है एल बी एच? दिस इज एल, ये हो गया आपका बी और ये हो गया बेटा एच। नेक्स्ट, दिस इज क्यूब, सभी को पता ही होगा, ऐसा क्यूब है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो उसे हम क्यूब बोलते हैं। आगे, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड दिख रहा है सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। एक्चुअली क्यूबॉइड की बात करें तो बेटा क्यूबॉइड 6 फेसेस से मिलके बना होता है। तो यदि हम सभी फेसेस के एरिया को निकालें और उनको ऐड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, एक क्यूबॉइड आ जाएगा। देखो आप रूम से भी कंपेयर, ये है जो आपकी जो सबसे नीचे वाला फेस है बेटा, दिस वन, ये किससे मिलके बना हुआ है, ये आपका, इसकी दो डायमेंशन है हमारी, कौन कौन सी, एल और बी। तो बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, एल इंटू बी की नहीं, yes, इसके जस्ट ऊपर वाली फेस है इसका एरिया भी कितना होगा बेटा, एल इंटू बी। इसकी बात करें बेटा ये वाली, जो ये वाली फेस है इसका एक आपकी डायमेंशन है बी और दूसरी डायमेंशन है एच, तो बेटा इसका एरिया कितना होगा, बी इंटू एच। और इसके जस्ट सामने वाली जो ये वाली साइड है इसका भी एरिया कितना होगा, बी इंटू एच, तो दो बार बी इंटू एच। अब क्या बचा हमारा, ये फ्रंट वाला पोर्शन, समझ रहे हो कौन सा बेटा, ये सबसे सामने वाला। तो बेटा सामने वाला किससे मिलके बना हुआ है, एक डायमेंशन है आपकी एल और एक डायमेंशन है एच, तो इसका एक फेस का कितना एरिया हो जाएगा, एल इंटू एच। पीछे वाले का भी कितना हो जाएगा, एल इंटू एच, ये हो गया बेटा ये, तो टू टाइम्स एल बी, टू टाइम्स बी एच और टू टाइम्स एच एल, या सीधे हो गया टू को कॉमन ले लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया आपको याद रहेगा सभी को, टू इंटू बी एल प्लस बी एच प्लस एल एच, याद रहेगा ना सभी को? यस सर, यस सर। इसमें हमको सर पूरा निकालने की, मतलब निकालना या लर्न करना है कि सिर्फ हमें फॉर्मूला लर्न याद करना है? मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से होता है, यदि बाई चांस आप भूल जाए तो। नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया का बेटा मतलब क्या होता है, बताओ क्या हटाते हैं हम, जिसमें टॉप नहीं रहता, जिसमें टॉप नहीं रहता है, नहीं रहता सर, टॉप नहीं रहता, टॉप एरिया ऑफ फोर वॉल, वेरी, एरिया ऑफ दी फोर वॉल्स, फोर वॉल्स मतलब आपके टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ दीवारों का ही, तो आपकी जो चारों दीवारें हैं इनका एरिया आप ले लीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, टू इंटू बी एच प्लस एच एल। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे सभी लोग? यस सर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब में बेटा कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, सभी फेस क्यूब के क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर। तो 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 ए स्क्वायर। सभी को याद होगा, 8th में आप लोगों ने पढ़ रखा, मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया। नाउ लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया बेटा कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर, ये भी आप याद रखोगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 4 ए स्क्वायर। तो मैं एक बार फॉर्मूला आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 इनटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 इनटू बीएच प्लस एचएल, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 ए स्क्वायर एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 4 ए स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड याद रखोगे आप क्या होती है बेटा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सभी को याद होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इज रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन केस ऑफ द क्यूब क्या होता है बेटा, सभी लेंथ हमारी इक्वल होते हैं, तो एल की वैल्यू को आप ए रख दो, बी की वैल्यू को ए रख दो, एच की वैल्यू को ए रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा, रूट थ्री ए स्क्वायर,
रूट थ्री बाहर, मतलब रूट थ्री तो वही रहेगा, ए स्क्वायर आपका बाहर आके ए हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल इज रूट थ्री ए। दोनों आप याद रखेंगे, क्यू वाइड का डायगोनल क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज रूट थ्री ए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछो, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। सर एक बार लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड बता दीजिए। याद रख लीजिए बेटा, निकाल लेंगे तो टाइम लग जाए, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस सर, कोई डाउट नहीं इसके। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट बनाने हैं आपको, मुझे पता चला कि नोट नहीं बनाते हो आप लोग, पहले क्वेश्चन को जल्दी। Find the surface area of a chalk box whose length, breadth and height are given. Length is given 16 centimeter, L is 16, B is 8 and H is given 6 centimeter. Total surface area आपको निकालना है, बिल्कुल आसान है बेटा, कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सॉल्व करो, बताओ जल्दी कितने लोगों का सही है। फिर 16 इंटू 8 प्लस बी इंटू एच, तो 8 इंटू 6 प्लस एच इंटू एल, तो 6 इंटू 16। जल्दी बेटा सॉल्व करो और मल्टीप्लाई करो, बताते जाओ 16 इंटू 8 क्या होता है, कितने लोगों को याद है। सर 128। हाँ मैं लिख दिया, देखो कितने लोगों का सही है ये। श्रेणिका, राशि, शिवम, स्वाति, कुमकुम, वेरी गुड, बहुत इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, चलो बहुत लोगों को बन गया, वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है इट इज 6 ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इधर 726 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा, स्क्वायर क्यूब होगा वॉल्यूम। चलो ये सभी लोगों से हो गया। यस सर, यस सर, यस सर। चलो इसे आप सॉल्व करो। सर हमको क्वेश्चन भी नोट करना है कि डायरेक्ट आंसर लिखना है। सर आवाज नहीं आ रही। क्या हो बेटा, क्वेश्चन नोट करते जाया करो साथ में।
यस अच्छा ऐसे सही है बेटा, मतलब ऐसा पढ़ने में सही लग रहा है? यस सर, यस सर। सभी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक। इवन ये उससे सही है आपका जो क्वेश्चन का मेरे लिखने में टाइम वेस्ट होता था वो कम हो जाएगा आप लोगों को। सर ये ब्रैकेट में सिक्स क्यों लिखा? नहीं बेटा वो आंसर है, अभी आप इग्नोर करिए ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उसे इग्नोर कीजिए। इतना टाइम किसी का आंसर नहीं आया बेटा? जल्दी बताओ। नो सर। यस सर। पैरामीटर आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द फोर वॉल्स आपको पता है, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, डिवाइड कर देंगे। चलो मैं बताता हूँ फिर मुझे दूसरी क्लास में यही रहती है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्मॉल मतलब मेथड हो जाएगा छोटा सा, आप लोग उसे पूरा सॉल्व करना और फिर मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। इन्होंने क्या बोला, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो मैं यदि एरिया ऑफ द फोर वॉल्स की बात करूं, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स को मैं क्या लिख सकता हूं कि जितना आपका पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर है उसे यदि मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, इस रिलेशन को आप लोग जस्टिफाई भी कर लेना जो मैं बता रहा हूं, तो पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इनटू हाइट कर देते हैं तो आपका ये एरिया ऑफ द फोर वॉल्स आ जाएगा। आप इसे जस्टिफाई कर लेना, ना आप प्रूव कर पाओ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा।
अभी आप ध्यान रखोगे एरिया ऑफ द फोर वॉल्स इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इनटू एच. बेटा पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर कितना गिवन है आपको 250 और हाइट कितनी है बेटा एच. तो ये हो गया इतना एरिया, ये पर मीटर स्क्वायर इतना एरिया हो गया फोर वॉल्स का. अब देखो कितना आसान है आगे सॉल्व करना. हमसे बोला गया कि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर की बेटा कॉस्ट आपको गिवन है 10 रुपीज. तो आपको 250H की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 250H की कॉस्ट हो जाएगी 10 into 250H. तो ये कितना हो गया बेटा 2500H. तो जो हमारी कॉस्ट आई और जो आपकी कॉस्ट गिवन है वो दोनों इक्वल होने चाहिए. तो हम लिख सकते हैं यहां से कि 2500H इज इक्वल्स टू 15,000. यहाँ देखो दो जीरो आपके ऐसे कैंसिल हो जाएंगे. H इज इक्वल्स टू 150/25. योर आंसर विल बी 6. ये मेथड थोड़ा छोटा है लेकिन ये मेथड आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको ये रिलेशन पता हो. इस रिलेशन को आप लोग जस्टिफाई कर लीजिएगा, नहीं बने तो सीधे आप L इंटू बी मान लीजिए. जैसे हम फ्लोर के पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 times L into B, 2 times L+B इज इक्वल्स 250. फिर एरिया ऑफ द फोर वॉल्स निकालना उसी तरीके से, हाइट के टर्म्स में आएगा, एल और बी का रिलेशन वहां पर पुट कर देना, आपका आंसर सेम आएगा. ठीक, उस तरीके से आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे. ओके सर, ये फॉर्मूला है सर, हमको रिलेशन निकल के आ जाता है. आप प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को भी मतलब ये याद रख सकते हो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. यदि आप सर हमको ये भी दिखाना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इनटू हाइट का रिलेशन भी दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं, लेकिन पता होगा तभी तो आप अप्लाई करोगे सर, वो तो. अदरवाइज ऐसे नहीं करना है, तो आप सीधे एल बी और एच मानो, आपका क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा. आप वैसे सॉल्व करके मुझे सेंड करना, एल बी और एच मानते हुए सॉल्व करके आप लोगों को मुझे सेंड करना है. इसको आप लोग नोट कर लीजिए. कर लिए नोट? यस सर. ये क्वेश्चन नहीं किया, स्टार्टिंग स्लाइड दिखा दी. स्टार्टिंग कौन सी? फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले पाए. ए इसमें स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है, लिखना है बेटा, जैसे बाद में लिख लेंगे. चलो ठीक, ले लो इसमें थोड़ी कोई स्क्रीनशॉट की जरूरत, ये तो मैंने आप लोगों को बस बताने के लिए ही किया है. सर सर ये क्यूब व्यूब की जो वो है वो सब हमको लिखने हैं क्या? नहीं, मतलब क्यूब की डेफिनेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए. ये डेफिनेशन थोड़ी मैथ में पूछी जाती है, आपको तो बस पता हो कि क्यूब होता कैसा है, क्यूब वाइड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बस ये आपको याद होना चाहिए. टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, बस बहुत है. चलो कल आगे यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग.